उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में रामगंगा विहार स्थित फ्लेवर रेस्टोरेंट में रोटरी क्लब ब्राइट का पद ग्रहण समारोह एवं मंडल अध्यक्ष की आधिकारिक यात्रा का आयोजन हुआ। सभा में मंडल अध्यक्ष हरि गुप्ता एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष रोटेरियन सुधीर गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रोटेरियन सुधीर गुप्ता द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल गुप्ता एवं सचिव गौरव अग्रवाल तथा उनकी कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई एवं 5 नए सदस्य रोटरी क्लब में शामिल हुए। मैं अपना नाम लिखे शपथ लेता हूँ कि अपने इस कार्यकाल में रोटरी के आदर्शों का पूर्ण रूप से धनबंधन से पालन करूँगा और अपनी शक्ति के अनुसार जहाँ तक भी हो सकता है समाज की सेवा करूँगा, अपने क्लब का उत्थान करूँगा, वोकेशनल सर्विस में पूरी मदद करूँगा, इंटरनेशनल सर्विस में जो भी संभव हो सकता है वो करूँगा और यूथ सर्विस में अपने युवा वर्ग को आगे लाऊंगा। सभा में निवर्तमान अध्यक्ष दीपक सक्सेना ने वर्ष 2018-2019 में किए गए कार्यों एवं सभी सदस्यों के द्वारा किए गए सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट किया। मंडल अध्यक्ष रोटेरियन हरि गुप्ता द्वारा शरद पूर्णिमा में किए गए क्लब द्वारा कार्य की सराहना की गई तथा तय किया गया कि कम से कम एक रोटरैक्ट तथा एक इंटरेक्ट क्लब जरूर स्थापित किया जाए जिससे युवा वर्ग रोटरी के सहयोग से समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सके। क्लब के अध्यक्ष द्वारा ये बताया गया कि श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में एक इंटरेक्ट क्लब स्थापित किया जा रहा है जिसकी सबने सराहना की। सभा का संचालन रोटेरियन दीपा अन्ना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सहायक मंडल अध्यक्ष अरविंद शर्मा, चक्रेश लोहिया, अनिल खन्ना, प्रदीप सक्सेना, विजय पाल सिंह, अमित शर्मा, डॉक्टर वैभव सेठ, अमित गुप्ता, आलोक अग्रवाल, राजेंद्र टंडन, आरएस गर्ग, रवि खन्ना, नवदीप अग्रवाल, पारस खन्ना, अंकुर रस्तोगी, राकेश वशिष्ठ, अंशुल शर्मा, अभिनव अग्रवाल, प्रीतिश सिंह आदि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि रोटेरियन हरि गुप्ता ने पत्रकारों को इस अवसर पर बताते हुए कहा, रोटरी क्लब मुरादाबाद ब्राइट का इंस्टॉलेशन और ऑफिशियल विजिट है। इंस्टॉलेशन होता है कि जब भी नया अध्यक्ष कार्यभार संभालता है तो उसको इंस्टॉल करके रोटरी के अनुरूप उसे चार्ज दिया जाता है और ऑफिशियल विजिट होती है कि आपको पूरे साल में क्या क्या काम करना है, डिस्ट्रिक्ट में आपकी क्या आपकी जिम्मेदारियाँ हैं और क्या प्रोजेक्ट आपको अपने साल के अंदर क्लब के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट के अंदर करने हैं। यही सारी बॉन्डिंग होती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और प्रेसिडेंट और क्लब के सभी लोगों के लिए, तो इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण रखता है प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और पूरे क्लब के लिए। और इसी तरीके से रोटरी का यह चक्र लगातार चलता रहता है और हर साल 1 जुलाई को प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट आते हैं और 30 जून को पुराना प्रेसिडेंट हट जाते हैं। नई टीम के लिए क्या संदेश देंगे? नई टीम के लिए है कि आपका यह साल 100वां साल रोटरी का। हिंदुस्तान में हमारी यह रोटरी 1919 में स्टार्ट हुई, 2019 ये 100वां साल है, स्वर्णिम ईयर, और बहुत जिम्मेदारियां देता है हमें यह साल कि हम अपने इंडिया में रोटरी को स्वर्णिम अक्षरों में हम अपना नाम लिखवाएं और डिस्ट्रिक्ट 3100 जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हम ये वादा करते हैं कि हम सब अपने अपने प्रेसिडेंट के माध्यम से इस डिस्ट्रिक्ट को वाकई में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर अभी आप बोले 1919 में स्टार्ट हुई, 1900 रोटरी इंडिया में 1919 में आई और इंडिया में इसका 100वां साल है। वैसे तो 1904 में स्टार्ट हुई लेकिन इंडिया में 1919 में आई, तो इंडिया में 100वां साल है इसका।